राजस्थान रॉयल का लास्ट ओवर में ऐसा क्या हुआ जिससे राजस्थान रॉयल हार गई? संदीप शर्मा ने ऐसा क्या बॉल कर दिया जिसके वजह से राजस्थान रॉयल को जीत के भी हार जाना पड़ा? तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल की किस्मत की अगर बात करो तो किस्मत इतना ज्यादा बुरा है कि लास्ट बॉल पे यहाँ पे संदीप शर्मा ने बॉल डाला और लास्ट बॉल पे चाहिए था 4 रन और उस बॉल पे लग जाता है छक्के ही वाला बॉल लग जाता है बट वो जाके कैच पकड़ा जाता है। बट उसके बाद ऐसा होता है कि उस बॉल को नो बॉल दे दिया जाता है और संजू सैमसन जो कैप्टन होते हैं वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और जो संदीप शर्मा जो बॉलर होते हैं वो भी हताश हो जाते हैं। यहाँ पे हुआ ये कि जब राजस्थान वर्सेस यहाँ पे हैदराबाद का मैच चल रहा था तो 19वें ओवर पे कुलदीप यादव के ओवर में जो क्लीन फ्लिप्स है उसने मारना शुरू किया 3 छक्का लगातार, मतलब 5 छक्के का रिकॉर्ड टूटने ही वाला था बट बच गया। 5 छक्का यहाँ पे मारा था रिंकू सिंह ने कोलकाता का। उसके बाद यहाँ पे क्लीन फ्लिप्स भी मारने वाला था, 3 छक्का मार दिया, 1 चौका मारा। अब यहाँ पे 12 ओवर में 42 रन चाहिए था तो ये 3 छक्का 4 चौका मार के भाई बहुत रन कम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे भाई 5वें ओवर पे वो आउट हो तो गया बट भाई उतना काम वो अपना कर दिया था क्लीन फ्लिप्स की हैदराबाद मैच जीत जाएगी। उसके बाद हैदराबाद के जो नेक्स्ट बैट्समैन थे वो यहाँ पे आए और उसने मारना स्टार्ट किया तो संदीप शर्मा ने भाई अच्छा डिफेंड किया, ये नहीं बोलूंगा, संदीप शर्मा बहुत गंदा खेला। 20वें ओवर में उसको इतना प्रेशर दे दिया गया कि वो डिफेंड कर दिया था बट लास्ट में जाके यार वो एक बॉल अगर नो बॉल नहीं होता तो संदीप शर्मा वो मैच जितवा दिया था राजस्थान रॉयल को। लेकिन गलती यहाँ पे ये हो गई, वो बॉल नो बॉल हो गया। अब यहाँ पे हुआ ये कि जब 20वें ओवर के भाई 5वें बॉल पे जब ये शॉट मारा गया, 6वें बॉल पे जब ये शॉट मारा गया तब जो हैदराबाद का प्लेयर है वो छक्का मारने की कोशिश किया और बॉल फिर जाके भाई बटलर के हाथ में पकड़ा गया। बटलर ने वहां बढ़िया कैच पकड़ा बट जैसे ही कैच पकड़ा जाता है उसके बाद सायरन की आवाज आती है और सब चौंक जाते हैं यहाँ पे क्योंकि उस बॉल में चाहिए था 4 या 5 रन चाहिए होता है, 5 रन चाहिए होता है। अब वो मर, मतलब वो तो आउट हो गया। अब नो बॉल के यहाँ पे 1 रन तो ऐसे ही कट जाता है, ठीक है, चाहिए अब 4 रन। यहाँ पे फिर अब नो बॉल डाल तो दिया, अब यहाँ पे संजू सैमसन भी क्या करेंगे, एम्पायर से बातचीत होती है, फिर यहाँ पे संदीप शर्मा को डालने के लिए कहा जाता है और संदीप शर्मा वापस से यहाँ पे बॉल डालने जाते हैं और लग जाता है फिर 6। तो जैसे ही यहाँ पे 6 लगता है संदीप शर्मा काफी टूट के बिखर जाते हैं वहीं पे ग्राउंड पे भाई, यहाँ पे बैठ जाते हैं और संजू सैमसन भी यहाँ पे ग्राउंड में, मतलब क्या अब क्या ही कर सकते हैं, वो लास्ट में ऐसा 3 हो गया। बट जो मैच हुआ था हैदराबाद और राजस्थान का वो मैच आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट मैच माना जा सकता है क्योंकि ऐसा मैच इससे पहले नहीं हुआ था। यहाँ पे एक ही बॉल में यहाँ पे राजस्थान रॉयल भी जीत गई और एक ही बॉल में यहाँ पे वो हैदराबाद भी जीत गई, तो वो जो लास्ट बॉल था वो डेंजर बॉल था।